खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएसपी से जुड़ी बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी बहुजन समाज पार्टी। उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी मायावती। 10 सीटों पर उपचुनाव होने यूपी में, जिला अध्यक्ष सौंपेंगे उम्मीदवारों के नाम, मायावती को अपनी रिपोर्ट देंगे। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, उपचुनाव की तैयारी में है बसपा और इसीलिए अपडेट ये सामने आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और इसी उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। बड़ी खबर हम आपको ये इस वक्त बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, मायावती तैयारी कर रही हैं इन 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर। मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से। मयूर, बसपा सुप्रीमो मायावती तैयारी कर रही हैं जो 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं, उन पर प्रत्याशी उतारने को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो पहले कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब वो मजबूरन उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है क्योंकि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावल उनके लिए मुसीबत बनकर आ गए हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चारों जगह पर प्रत्याशी उतारे थे लेकिन उनकी दुर्दशा हो गई, कोई भी अच्छा चुनाव नहीं लड़ सका। वजह इसके पीछे ये है कि आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे जो उनका दलित वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम रहा है। तो मायावती को लगता है कि अगर वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी या अन्य तमाम चुनावों में अगर वो भाग नहीं लेंगी तो कहीं ना कहीं जो उनका कोर वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक उमाशंकर सिंह जो कि बलिया से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उसके अलावा ना लोकसभा ना राज्यसभा ना विधान परिषद कहीं भी एक भी सदस्य बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। तो ऐसे में अब जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी मायावती ने सौंपी है कि वो जो मजबूत प्रत्याशी हो।